अगर आप अपने लिए कोई मॉप सर्च कर रहे हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि स्पिन मॉप बेटर है या फिर फ्लैट मॉप, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें हम इनका डिटेल कंपैरिजन देखेंगे। हाय ऑल, माय नेम इज़ इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। अगर मार्केट में देखा जाए तो बहुत तरह के मॉप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्पिन मॉप एंड सेकेंड इज फ्लैट मॉप। सो मैं पिछले काफ़ी टाइम से स्पिन मॉप यूज़ कर रही थी, लेकिन विद टाइम मैंने उसके अंदर कुछ इश्यूज़ को फेस किया जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने फाइनली कौन सा मॉप परचेज़ किया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्राइस है एंड फाइनली द कंक्लूजन। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। प्लेन सरफेस को स्पिन मॉप से क्लीन करना बहुत इजी है, लेकिन नैरो स्पेसेस में ये एंटर भी नहीं कर पाता। हम सभी के घर में, चाहे फ्लोर पे कोई प्लांटर रखा हो या कोई टेबल, सभी के साइड में बहुत कम स्पेस होती है और इसी तरह से फ्रिज के बैक साइड में भी बहुत ही नैरो स्पेस होती है और स्पिन मॉप ना तो स्पेस को एंटर कर पाता है और ना ही उसे क्लीन कर पाता है। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो ये थी कि स्पिन मॉप से कॉर्नर्स प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते थे, इनफैक्ट वहाँ पर डर्ट एक्यूमुलेट होने लगती थी। अब या तो ग्रेजुअली उन कॉर्नर्स में स्टेन्स आ जाते थे या फिर प्रॉपरली क्लीन करने के लिए फर्नीचर बार बार मूव करना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम कंज्यूम होता था। उसके बाद थर्ड चीज़ जो मैंने नोटिस करी, और अगर आप अपने घर में स्पिन मॉप ही यूज़ करते हैं तो आप भी इसको ज़रूर चेक करिएगा, कि इससे हमारे फ्लोर्स तो क्लीन हो जाते हैं लेकिन जो हमारी स्कर्टिंग होती है इस पर स्टेन आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत डर्टी लगती हैं। और साथ ही में क्योंकि अपने अंदर इतना वाटर होल्ड करता है, इस वजह से इसको ड्राई होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे कि मॉनसून सीजन चल रहा है, इसके बाद विंटर्स भी आएंगी, तो ऐसे में इसका ड्राई होना और भी स्लो हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि वेट मॉप में जर्म्स और बैक्टीरिया कितनी जल्दी बिल्डअप होते हैं, सो दैट्स अनदर ड्रॉबैक। सो गाइज, ये थे वो सभी इश्यूज़ जो मैं अपने स्पिन मॉप के साथ फेस कर रही थी एंड आई रियली वॉन्टेड अ गुड सोल्यूशन। तो इसके लिए मैंने एक फ्लैट मॉप परचेज किया, जिसका रिव्यू मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरी एक अनबायस्ड ओपिनियन है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। ये है प्योरियाटिक फ्लैट मॉप फ्रॉम द ब्रांड UPC। इसमें आपको मिलती है एक स्लिक बकेट, मॉप हेड, 2 माइक्रोफाइबर मॉप पैड्स, एक एक्सटेंशन रॉड जिसको हम अभी असेंबल करेंगे एंड असेंबली इंस्ट्रक्शंस। बकेट के लिड को आप इस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं। और अगर बकेट की बात करें तो इसके अंदर दो सेक्शंस हैं, वॉश एंड ड्राई। इसकी वॉश साइड में हम वाटर फिल करते हैं और उसी में अपना फ्लो क्लीनर भी ऐड कर लेते हैं। इसकी वॉश साइड में हम मॉप हेड को डिप करते हैं और ड्राई साइड में एक्सेस वाटर को स्क्वीज आउट कर लेते हैं। इसके वॉश एंड ड्राई सेक्शन में सेपरेट ड्रेनेज है, इससे आप दोनों सेक्शंस का पानी कन्वीनियंटली ड्रेन कर सकते हैं। इसके अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है, जनरली मॉप हेड्स पे मॉप पैड्स को स्टिक करने के लिए सिर्फ वेलक्रो होती है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल फीचर है। वेलक्रो के साथ साथ इस मॉप हेड के दोनों एंड्स पर ये प्लास्टिक क्लिप है जिसके पीछे 3 प्लास्टिक टीथ हैं। और हमारे मॉप पैड के दोनों एंड्स पर 3 पॉकेट्स हैं जिससे हम इसको मॉप हेड से अच्छे से अटैच कर सकते हैं। एक बार आपने पैड अटैच कर लिया, उसके बाद इन क्लिप्स को बंद कर ले। दिस टक साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से क्लीनिंग करते टाइम आपका मॉप हेड स्ट्रेट रहता है और पैड डिटैच भी नहीं होता। ये माइक्रोफाइबर पैड्स सुपर एब्जॉर्बेंट हैं, कोई भी स्पिलेज हो उसको आप एफर्टलेसली क्लीन कर सकते हैं। ऑल्सो ये रीयूजेबल है, इनको आप मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इसके मॉप हेड का एक और फीचर है, इसको आप हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली मूव कर सकते हैं। अब हम फाइनली अपनी एक्सटेंशन रॉड को भी असेंबल कर लेते हैं। इसके अंदर जो प्लास्टिक स्क्रू वाला पार्ट है, इसको हम मॉप हेड के साथ अटैच करते हैं। उसके बाद हम बाकी पार्ट्स भी अटैच कर लेंगे। सो द मॉप इज रेडी, लेट्स बिगिन द शो।
लुक एट दिस, जस्ट वाओ। इस मॉप का डिज़ाइन इतना स्लीक है कि हम सभी नैरो स्पेसेस को क्लीन कर सकते हैं बिना किसी भी फर्नीचर को मूव करें। जब आप इस मॉप को यूज़ करेंगे तब आप रियलाइज करेंगे कि ये एक्चुअल में आपका काम कितना इजी कर देता है। एंड वन मोर थिंग टू नोट इज कि इससे हमारी क्लीनिंग भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। स्पेस के अकॉर्डिंग आप मॉप को 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। एंड मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी कि इस पूरे प्रोसेस में हमारे हैंड्स एक बार भी डर्टी नहीं हुए। इसका एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर है, इसको बस हल्का सा पुश करिए एंड विद इन सेकेंड्स आप अपनी स्कर्टिंग भी क्लीन कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, ना तो ये आपकी वॉल को टच करेगा और ना ही उन पे कोई स्टेन आएगा। ऑनेस्टली पहले फ्लोर मॉप करना मेरे लिए बहुत टायरिंग हो जाता था और ये मेरे को एक ह्यूज टास्क लगता था, लेकिन जब से मैं इस फ्लैट मॉप को यूज़ कर रही हूँ तो मैंने रियलाइज किया कि ये हमारा प्रोसेस इतना ईजी कर देता है और इसके अंदर बहुत कम टाइम कंज्यूम होता है। और अब हमारा पूरा घर इंक्लूडिंग कॉर्नर्स, नैरो स्पेसेस, स्कर्टिंग सब कुछ क्लीन हो चुका है। यूज करने के बाद आप अपने मॉप को क्लीन कर लें। आप इसको मशीन में भी वॉश कर सकते हैं और उसके बाद विद इन फ्यू आवर्स ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, आपने देखा कि किस तरह इस मॉप को यूज़ करके आप क्विकली अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। फॉर मी इट वॉज अ ग्रेट टाइम सेवर, ऑल्दो आई फील कि इसके अंदर व्हील्स नहीं है। अगर व्हील्स होते तो इसको मूव करना भी ईजी हो जाता। नाउ कमिंग टू द प्राइस, मार्केट में जो बेस्ट सेलिंग मॉप्स हैं उनका प्राइस रेंज है फ्रॉम 1100 टू 1400, लेकिन यूपीसी का ये जो मॉप है इसका प्राइस है 1439 और इसमें एक कलर वेरिएंट भी है, उसका प्राइस है 1499। तो अगर हम इसको बाकी मॉप से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है। एंड ऑनेस्टली जब मैं इसको परचेज कर रही थी तो मैं भी बहुत श्योर नहीं थी, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आई से दैट इट्स टोटली वर्थ द प्राइस। और अगर इसके रिफिल्स की बात करें तो 499 में यू गेट 6 मॉप हेड्स, विच आई थिंक इज क्वाइट इकोनॉमिकल। सो गाइस, एंड में आई विल से कि अगर आप अपने घर के लिए कोई मॉप सर्च कर रहे हैं जो कि आपके टाइम और एफर्ट सेव करे, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको कोई बहुत बड़ा एरिया साफ करना है, जैसे कि आपके घर का वरांडा हो सकता है या फिर कोई ह्यूज बैल्कनी हो सकती है, जहाँ भी हम क्लीनिंग को लेकर इतना पर्टिकुलर नहीं होते, तो वहाँ पर आप स्पिन मॉप को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। आपके क्या व्यूज़ हैं इस मॉप को लेकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारी यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हाउ फैब डे। बाय।